नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके लैपटॉप में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फाइल होता है और आपके लैपटॉप को आपके घर के अंदर बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, छोटे बच्चे यूज़ करते हैं, घर के और लोग मेंबर यूज़ करते हैं। तो आपका कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, फ़ोटो है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आप चाहते हैं कि बच्चे उसे न देख पाएँ, घर के अन मेंबर जो लैपटॉप बहुत एक्सपर्ट है उसको न देख पाएँ, तो कैसे सिक्योर करते हैं उस फोल्डर को, कैसे उस फाइल को, पूरा वीडियो देखिए, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दूंगा, पक्का आपके लाइफ में काम आने वाला। हाँ, हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। जब भी हम कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो बनाएंगे तो आपके पहुंच जाएगा। देखिए दोस्तों, जो लैपटॉप हमारा होता है ना, लैपटॉप के ऊपर बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, बहुत सारे फाइल फोटो होते हैं, हम चाहते हैं कुछ सिक्योर रखने के लिए। तो इतना पास हमारा ये देखिए, दिखाता आपको मैं, जैसे ये लैपटॉप है, ये देख रहा है ना, लैपटॉप स्क्रीन है ये, और लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर देखिए बहुत सारे फोल्डर रखे हुए हैं, ये फोल्डर है, ये फोल्डर, ये फोल्डर है। तो इस वाले फोल्डर मान लीजिए, जैसे एबीसी का जो फोल्डर हमारा बना हुआ है, ये इसके अंदर कुछ मेरी इंपॉर्टेंट फाइल है, जैसे दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये एबीसी फोल्डर देख लीजिए, इसके अंदर इतने सारे मेरे फाइल पड़े हुए हैं। मैंने चाहता हूँ घर का कोई और मेंबर मेरे लैपटॉप को जब यूज़ करे तो इस फाइल को एक्सेस कर सके, कोई मेरे घर के कोई बच्चे जो इसको एक्सेस कर सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ इसको सिक्योर कर दूँ। कैसे सिक्योर कर सकता हूँ बताता हूँ आपको, मुझे लगता है कि पूरा देखिए आप अच्छे लगेगा आपको। तो इसको देखिए, ये फोल्डर एबीसी का फोल्डर है ये, और इसको हम यहाँ से मिनिमाइज बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद में ये जो एबीसी फोल्डर दिया हुआ है ना, इस फोल्डर के ऊपर सिंपल तरीके से आप राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद में देखिए ये शो मोर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ शो मोर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ क्लिक करिए या आप प्रॉपर्टीज में क्लिक कर दीजिए। तुम्हारे इस लैपटॉप के अंदर विंडो 11 लोडेड है या आपके विंडो 10 हो तो विंडो 10 और 11 के अंदर ये फीचर है, ये प्रॉपर्टीज में क्लिक कर लीजिए। जब प्रॉपर्टी में क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें एक आ रहा ऑप्शन जनरल लिख के आ रहा है, एक आ रहा है शेयरिंग लिख के आ रहा है, एक आ रहा है सिक्योरिटी लिख के आ रहा है। तो थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है सिक्योरिटी, इसके ऊपर क्लिक करिए आप। सिक्योरिटी पर क्लिक करेंगे और देखिए इसके बाद एक मेनू खुल के आ जाएगा, ये हमारे सिस्टम का नाम है, जोगेंद्र नाम है ये। लास्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर, देखिए तो आप में उसे सर्वर लिख के नहीं आ रहा होगा, आपके जो भी लैपटॉप का नाम हो लिख के आ रहा हो, तो लास्ट और एडमिनिस्ट्रेटर इस पर क्लिक कर लीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद में आप एडिट पे क्लिक करिए, जो एडिट है इसके ऊपर क्लिक करिए, एडिट पे, एडिट पे क्लिक करेंगे फिर एक मेनू खुल के आ जाएगा, सिस्टम जोगेंद्र। तो लास्ट वाला जो एडमिनिस्ट्रेटर है इसके दोबारा क्लिक करिए, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ दिया हुआ है देखिए अलाउ है, ये फाइल है, ये फुल कंट्रोल है, फिर मॉडिफाई है, फिर रीड है, नहीं ये सारे दिया हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ दिया हुआ डिनाई, इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप डिनाई कर दीजिए। डिनाई पे सब पे टिक मार्क ऑटोमेटिक हो जाएगा, आप चाहते हैं अनटिक किसी पे करना कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा सब पे टिक मार्क कर दीजिए आप, ठीक है। सब पे आपने टिक मार्क कर दिया, उसके बाद इसको अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई कर देते हैं तो पूछ रहा है यू आर सेटिंग डिनाई परमिशन एंट्री, डिनाई एंट्री स्टेक प्रोसीड्यूर ओवर अलाउ एंट्री, मतलब लिख के बता रहा है कि लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे इसको, फिर आप सीधे यस कर दीजिए। यहाँ पे यस करेंगे और उसके बाद ओके कर दीजिए, ओके करने बाद में फिर ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब जो हमारा एबीसी का जो फोल्डर है ना, ये देखिए ये फोल्डर एबीसी का है, इसको हम क्लिक करते हैं दोबारा। अब देखिए इसमें पूछ रहा है यू डोंट करेंटली हैव परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर, ठीक है, क्लिक कंटिन्यू परमिटली एक्सेस टू दिस फोल्डर, फिर हम कंटिन्यू क्लिक करते हैं तो देखिए तब भी बता रहा है यू हैव बीन डिनाइड टू परमिशन टू एक्सेस। अब मतलब बच्चे या घर का कोई और मेंबर जो है हमारे इस एबीसी फोल्डर को यूज़ करना चाहता है तो नहीं यूज़ कर सकता है। तो देखिए परमानेंट हो चुका है क्या, हम एक बार अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट कर देख लेते हैं कि क्या ये रिस्टार्ट करने के बाद में ये चीज़ रहता है कि गायब हो जाता है। इस पर आते हैं और इसको हम रिस्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा देखिए लैपटॉप रिस्टार्ट हो रहा है और लैपटॉप जो है रिस्टार्टिंग लिख के आ रहा है, और हम फिर चेक करते हैं कि हमारे लैपटॉप में जो हमने पासवर्ड मतलब जो सिक्योर किया फोल्डर वो परमानेंट रहता है नहीं रहता है। तो इस तरीके से आप अपने लैपटॉप के अंदर किसी फोल्डर को, किसी फाइल को जो है आप सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि घर के अंदर बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिसके माध्यम से वो हमेशा फाइल रीड कर देते, डिस्टर्ब कर देते हैं, तो हम चाहते हैं ऐसा न हो, तो इसलिए हमको जो है ऐसा करना होता है। देखिए हमारा लैपटॉप रिस्टार्ट होता है और फिर दिखाता हूँ अगर फिर आपको कैसे उसको हटाना है उस सिक्योरिटी को, क्योंकि आपको तो फाइल यूज़ करना है ना। मान लीजिए आप दो दिन बाद तीन दिन बाद आते हैं फिर उस सिक्योरिटी को हटा करके, देखिए ये है और फिर हमारा लैपटॉप खुल गया है, हमारा लैपटॉप जो पासवर्ड दिया हम पासवर्ड डालते हैं, फिर एक्सेस करते हैं, दो दिन चार दिन बाद आते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं वो जो फोल्डर हमने लगा रखा था एबीसी वाला फोल्डर जो है कहाँ पे है। देखिए एबीसी फोल्डर यहाँ पे हमारा बना हुआ है, एबीसी फोल्डर जो हमारा है ये, इस पर हम क्लिक कर देते हैं, एबीसी फोल्डर क्लिक करते हैं और देखिए ये फिर बता रहा है यू डोंट करेंटली हैव परमिशन, दिख रहा ना, ये दिख रहा है कि अभी भी परमिशन नहीं है। तो बच्चे खोलते रह जाएंगे, खुलेगा नहीं हमारा इंपॉर्टेंट डेटा, आपको जानकार होशियार रहेगा तो अलग बात हो, फिर हटा सकता है उसको। अब देखिए आपको ओपन करना है, फिर क्या करना पड़ेगा, एबीसी पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसके पर जाएंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे दोबारा, यहाँ पे प्रॉपर्टी जाइए, यहाँ क्लिक करने के बाद में फिर सिक्योरिटी पे जाइए आप, सिक्योरिटी पे, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर पे जाइए और उसके बाद जाके एडिट पे जाइए, यहाँ पे फिर ये दिया हुआ है, यहाँ पे ये डिनाई दिया हुआ है, इसको टिक करके ये 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 सबको हटा दीजिए, डिनाई ऑप्शन दिया हुआ है, सबको अनटिक कर दीजिए, देखिए मैंने सबको अनटिक कर दिया ये,
ठीक है, फिर उसको अप्लाई करिए दोबारा, उसको ओके कर दीजिए, उसके बाद ये करिए। अब देखिए एबीसी फोल्डर हमारा जो था ये खोल लगने खोल, देखिए खोलते हैं, क्लिक करते हैं, देखिए हमारे अंदर जो फाइलें पड़ी हुई थी सारी फाइलें हमारी जो है सिंपल तरीके से उसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। देखिए मेरी जो इंपॉर्टेंट फाइल है ये अब फाइल मेरी खुल जा रही है ये, तो ठीक है। तो कितने ईजी तरीके से, ना कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जरूरत पड़ती है, ना कोई बहुत एक्सपोर्ट करने जरूरत आपको है, आप फैमिली के अन मेंबर से अपने डॉक्यूमेंट को अपने फाइल को बचा सकते हैं। बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका फाइल डिलीट नहीं होगा, सिक्योर रहेगा ये, ठीक है दोस्तों। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था कि आपने लैपटॉप के अंदर फाइल फोल्डर कैसे सिक्योर करें, पूरा वीडियो देखे होंगे मुझे लगता है कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा और आप भी इसको सीख गए होंगे। वीडियो पसंद आपको आए प्लीज़ को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं ना वैसे टेक्निकल सीखना चाहते हैं, उसे वीडियो के माध्यम से वो भी सीख। चलिए आप सब लोगों को नमस्ते दोस्तों।